तो दोस्तों आज हम सीखते हैं मशीन एक्सीडेंट होने के बाद टरेट का अलाइनमेंट कैसे चेक करेंगे और उसको कैसे ठीक करेंगे। मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपको क्या मैग्नेट स्टैंड के ऊपर डायल को लगा लेना है और डायल लगा के डायल को आपको लगा देना है जहाँ पर हम ऑडी टूल होल्डर को क्लेम करते हैं उस स्लॉट के अंदर। और फिर आपको उसको चेक करना है कि हमारा जो टरेट है वो रेडियली तो ट्विस्ट नहीं हो गया है, ठीक है। टरेट हमारा इंडक्शन मोटर के ऊपर लगा होता है तो एक्सीडेंट होने से वो रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो टरेट रोटेट ना हो तो आप देख पा रहे हो अभी मेरी जो रीडिंग है वो बिल्कुल एकदम 0-0 चल रही है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। लेकिन टरेट एक्सीडेंट होने से क्या होता है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे हमारा रेडियली घूमे, हो सकता है वो एक्चुअली घूम जाए, इसकी जो मोटर बंदी होती है वो अपनी पोजीशन से हिल जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायल को फ्रंट पर लगा लेना है। अब इसको फ्रंट पर लगा के आपको चेक करना है कि इसमें कितना टेपर है, यानी कि ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। अगर इसमें कुछ डायल हमारा टेपर दिखाता है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो टरेट है वो हमारा एक्चुअली मूवमेंट हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक तो करना पड़ेगा ना कितना टेपर है। फिर अगर ज़्यादा हो तब तो हल्का फुल्का बोल्टों को नहीं लूज़ करके, बिल्कुल लूज़ करके और फिर सीधा करेंगे। अगर हल्का फुल्का हो तो हम हल्का लूज़ करके और फिर एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं, तो मैं यहाँ 0 सेट कर लेता हूँ। अब मैं इसको आगे की तरफ मूव कराता हूँ, ठीक है। पहले इसको चेक करना आपको आना चाहिए कि ये किस तरफ मूव हुआ है टरेट हमारा। तो आप जब डायल लगाओगे टरेट की स्पेस पे, तो स्पेस में देख पा रहे हो अभी ये मेरी रीडिंग जो है फ्लक्चुएट कर रही है, तो इसमें लगभग 0.1 के लगभग टेपर है, ठीक है। लेकिन नहीं, सॉरी, वो आधे से चलाया था मैंने, इसलिए अब मैं इसको वापस ले जाता हूँ टोटल, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो अभी प्लस में 0.1 है, तो मैं इसको वापस उस तरफ ले जाता हूँ तो टोटल कितना होता है देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों अभी ये मेरा जो टरेट है वो लगभग 0.15 150 माइक्रोन के लगभग ट्विस्ट है। तो अब इसको कैसे सीधा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी टरेट है वो इंडक्शन मोटर के ऊपर लगी होती है और इसके इंडक्शन मोटर के ऊपर टाइट करते हैं हम टरेट को। यहाँ पर ग्रीसिंग कर रखी है इसलिए आपको दिख नहीं रहे। इसमें क्या होता है कि 8 बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है। सामने इसका कवर लगा होता है तो आपको दिखेंगे नहीं वो बोल्ट, तो आपको कवर को हटा लेना। मैंने कवर हटा लिया था लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें 8 बोल्ट आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर, देख रहे हो आप ग्रीसिंग से मैंने। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसका ऊपर का कवर को हटा लेना है कवर, क्योंकि हम मोटर को एडजस्ट करेंगे। तो मैंने कवर हटा लिया, ये नीचे मैंने साइड में पटक दिया, ठीक है। अब ये जो कवर है हटाने के बाद आपको क्या है कि 4 बोल्ट आपको सामने दिख रहे होंगे यहाँ पर, और 4 बोल्ट ऐसे ही 4 बोल्ट इसके पीछे होते हैं सेम, जिससे क्या होता है कि हमारी जो इंडक्शन मोटर है वो टाइट होती है बिल्कुल एकदम। तो इन 4 बोल्ट सामने वाले और 4 बोल्ट पीछे वाले, इनको आपको लूज़ करना है। अब लूज़ क्यों करना है, क्योंकि टरेट हमारा टेढ़ा हो गया, एक्सटेंड कर दिया ऑपरेटर ने, या आपसे मिस्टेक हो गई प्रोग्रामिंग में या कुछ भी हो गया हो, तो इससे क्या हमारी मशीन की एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एलंकी लेनी बिल्कुल एकदम मस्त हेड वाली, जिसका हेड बिल्कुल एकदम फ्लैट हो। और मैं तो ये कहता हूँ आप नई एलंकी यूज़ करो बिल्कुल एकदम, ठीक है। ख़राब एलंकी यूज़ करोगे हेड ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बोल्ट बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, ठीक है। अगर ये स्लिप हो गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको सारे प्रिकॉशन बता रहा हूँ एक एक। अब आपको क्या करना है कि इसके फ्रंट वाले तो कर लिए मैंने, पीछे वाले बोल्टों को भी आपको बड़ी ही सावधानी से दोनों हाथों के फोर्स लगा के एकदम बढ़िया से इन चारों बोल्टों को आपको लूज़ कर लेना है। अब लूज़ तो कर लिया आपने, अब आपकी मोटर क्या हो गई, वो एडजस्टमेंट के लिए रेडी है। मतलब आप अगर उस पर हल्का फुल्का हैमरिंग करोगे प्लास्टिक हैमर से तो भी होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डायल लगा लेना है उसके फेस पे इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने इसके फेस पे ये डायल लगा लिया है। अब डायल लगा के आपको क्या करना है कि इसके एडजस्टमेंट के लिए एक स्क्रू होता है, मतलब मोटर को रोटेट करने के लिए, सीधा करने के लिए। कुछ मशीन वाले लगा भी देते हैं, कुछ मशीन वाले नहीं लगाते। तो मेरी मशीन में यहाँ पर एक नीचे स्क्रू लगा हुआ है जो जस्ट 4 बोल्टों के जस्ट नीचे साइड में एक जुगाड़ है, ताकि क्या है कि मेरा अलाइनमेंट जल्दी हो जाए। तो आप ऐसा जुगाड़ अगर आपकी मशीन में नहीं है तो आप जगह बना भी सकते हो, बाकी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है वो साथ में देते हैं, ठीक है। इस स्क्रू को टाइट करने से आपको जो आपका डायल लगा होगा, डायल के अंदर रीडिंग फ्लक्चुएट करेगी। तो जैसे ही आप
इसमें चलाओगे? अभी मैंने इसको 0 पर सेट कर देता हूँ। चलो अब मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो जैसे नीचे आ रहा हूँ मैं, तो ये 0 से हमारा 0.1, इस 0.1 हो गया, 0.1, 0.2, 0.25, तो 0.25 पे है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे जो स्क्रू को मैंने एडजस्टमेंट किया ना, उससे मेरा जो क्या है ये टेपर बढ़ गया। क्योंकि पहले आपने देखा होगा, मैंने जब इसके फेस पे इधर वाला फेस पे किया था 150 माइक्रोन था, तो ये वाला फेस और ये वाला फेस मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये टेढ़ा नहीं होता। जितना इस पर होगा उतना ही उतना होगा उस पर होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये मैंने उल्टा इसको टाइट कर दिया है। तो आपको इसको एडजस्ट करना इस तरह से करना है कि ये बिल्कुल आपका जो फेस है वो बिल्कुल 0-0 हो जाए, मतलब बिल्कुल एकदम सीधा हो गए। तो दोस्तों अब मैं इसको एडजस्ट करके और फिर आपके आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैंने इसको आपके सामने मैं डाई लगा के दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल एकदम 0-0 हो गया था मेरे से, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। मैं 0 पर सेट कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए भी हाँ बिल्कुल एकदम मैंने सीधा किया है, ठीक है। अब देख पा रहे हो आप, मैंने स्क्रू को एडजस्ट किया तो उससे क्या हो गया, ये मेरा एकदम फेस बिल्कुल एकदम 0-0 फ्लैट हो गया। तो आपको इस तरह से आपको सीधा कर लेना है, और इस उसका जो टूल होल्डर है पोस्ट है उसको भी आपको चेक कर लेना, फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। तो दोस्तों धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।